चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी के मोपअप राउंड का प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। मैं आपको इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी रैंक पर कितने मार्क्स पर कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। जो मैंने ये कट ऑफ पहले प्रेडिक्ट की थी उसमें एक भी मार्क्स का डिफरेंट नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि 3 या 4 मार्क्स डाउन हो सकती है और वही रहा है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी एक भी मार्क्स का डिफरेंस नहीं है उसमें, यानी कि हम फिर से एक बार कट ऑफ के लिए फिर से सच साबित हुए हैं। तो मैं आपको यहां पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता देता हूं एमसीसी के मोपअप राउंड की। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है, ऑल इंडिया रैंक 19,207 रैंक पर जिसके 599 मार्क्स थे, तमिलनाडु का कॉलेज मिला है रामानाथपुरम। रामानाथपुरम मिला है ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट को जिसकी रैंक 19,207 थी ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स थे 599। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट जिसकी रैंक थी 19,232, मार्क्स थे 599, उसको अंडमान निकोबार का कॉलेज मिला है। यानी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट जिसके मार्क्स 599 थे, रैंक जिसका 19,232 था, उसको अंडमान निकोबार का कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 19,594 रैंक पर जिसके 599 मार्क्स थे, विरुधुनगर मिला है, तमिलनाडु का कॉलेज मिला है, नया कॉलेज है। एससी कैटेगरी जिसके 99,548 रैंक था जिस कैंडिडेट का, 484 मार्क्स थे, आईजीएम पुडुचेरी मिला है एससी कैटेगरी को 484 मार्क्स पर। एसटी कैटेगरी कैंडिडेट जिसकी रैंक 1,20,806 थी, उसको 462 मार्क्स जिसके थे, तुटकोठी जो तमिलनाडु का कॉलेज है वो मिला है। तो ये कट ऑफ रही है मोपअप राउंड की। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की क्या कट ऑफ रहेगी इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिर से आपको बता देता हूं कि तीनों राउंड की जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट की थी उसमें 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस रहा है, बाकी कट ऑफ एक्यूरेट गई है। ये आप प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा चैनल सर्च करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ रही है, बाकी जल्द ही मैं लेके आ रहा हूं एम्स की कट ऑफ और डिम्ड की कट ऑफ, वो जल्द ही वीडियो लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद।